press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान फॉर डे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो बेल आइकन क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा मैं किस पे बात करने वाला हूँ। तो वन प्लस सिक्सटी का ये होनेस्ट रिव्यू है कि वन प्लस सिक्सटी बाय करना चाहिए या नहीं, या फिर बाय करें तो क्यों बाय करें, क्या है इसके नए फीचर्स। तो ये मेरा जो है पर्सनल रिव्यू है। अगर आपका कुछ अलग मतलब मानना है कि आपको ये लेना कुछ या नहीं लेना कुछ तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए तो मेरा भी ओपिनियन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स गेट इन टू इट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर डे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगा वन प्लस सिक्सटी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको जो है जो स्नैपड्रैगन है जो प्रोसेसर है वो सेम मिलता है एज कम्पेयर टू वन प्लस सिक्स, और आपको जो है इसके अंदर जो कैमरे है वो दोनों भी सेम है एज कम्पेयर टू वन प्लस सिक्स। इसके अंदर आपको जो नए फीचर्स मिलते हैं वो है इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर, और प्लस आपको मिल रहा है इसके अंदर जो आप अगर बात करूँ तो वाटर ड्रॉप नॉच। तो ये दो जो फंक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसका जो अभी आपको जो ओएस मिलने वाला है वो ऑक्सीजन ओएस है, इसका जो कस्टम ऑक्सीजन ओएस यूआई है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको वन प्लस मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वन प्लस सिक्स अगर आपके पास है तो आपको सिक्सटी अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मतलब ये कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ, ये एक मेरा हॉनेस्ट रिव्यू है। अगर आप चाहते हैं तो क्या मतलब आपको ये अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मतलब एक कंपैरिजन करते हैं कि आपको मैं इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ कि वन प्लस सिक्सटी आपको कभी अवेलेबल होगा, इंडिया प्राइस क्या है, इसके क्या क्या है फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जो क्वेश्चन है मेन रिमेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि आपको वन प्लस सिक्स से वन प्लस सिक्सटी में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीडियो का आगे बढ़ाता हूँ तो सबसे पहले बात करूंगा वन प्लस सिक्स के बारे में। तो वन प्लस सिक्स कुछ मई के तकरीबन लॉन्च हुआ था, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था, मतलब एक डिवाइस काफ़ी माना गया था एज कम्पेयर टू आईफोन के कंपेटेबिलिटी पे आया था, क्योंकि उसके जो प्राइस थे आईफोन के काफ़ी हाई थे और वन प्लस सिक्स के कम हाई प्राइस थे, पर वो काफ़ी सारे बेनिफिट दे रहा था। तो कुछ दिनों के पहले आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था, मतलब कुछ अवेलेबल ही नहीं था, ऐसी चीज़ें हो गई थी, बात हो गई थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। पर अभी जो वन प्लस सिक्सटी है उसका भी काफ़ी लोगों को क्रेज़ है, काफ़ी सारी ढेर सारी प्री बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो मतलब वन प्लस सिक्सटी भी एक रिकॉर्ड करेगा, एक कन्फर्म है, 100% श्योर है। तो मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस सिक्स में आपको मतलब सिक्सटी में आप क्यों लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। तो सबसे दो अच्छी चीज़ें मेरे को जो लगी है वो है सबसे पहले है इन बिल्ड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब इन डिस्प्ले आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। और बात करूंगा तो सेकंड है वो है नॉच, जो वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, काफ़ी छोटा जो है वाटर ड्रॉप नॉच है, तो ये मेरे को अच्छी लगी है चीज़। अगर आप इस चीज़ों के लिए वन प्लस सिक्सटी अपग्रेड करना चाहते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आपको वन प्लस सिक्स में भी सारे बेनिफिट सेम मिल रहे हैं, ये दोनों दो बेनिफिट छोड़ के बाकी सारे बेनिफिट सेम मिल रहे हैं। तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वन प्लस सिक्सटी में, तो आपसे मैं यही शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या मतलब। तो सबसे पहले बात करूँ तो आपको सेम मिल रहा है प्रोसेसर, और आपको इसके अंदर बाकी सारे जो फीचर्स हैं काफ़ी सारे सेम है। इसके अंदर दो जो है एडवांस फीचर दिए गए हैं आपको, कि इसमें अंदर आपको जो है आपका 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं है। इसके लिए आपको जैसे कि आईफोन की स्ट्रैटेजी वही यहाँ पे अप्लाई की गई है कि आपको भी इसके अंदर डोंगल मिलेगा तो आप आपका हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात करूँगा कि इसका जो सेकेंड जो बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर आपको जो है उनका कस्टम ऑक्सीजन ओएस यूआई मिल रहा है, और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 मिल रहा है, मतलब पाए वर्जन आपको मिल रहा है अवेलेबली इन बिल्ड। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये एंड्रॉयड वर्जन तो आपको सभी को पता है कि जैसे जैसे अपडेट आएगा तो आपको वन प्लस सिक्स को भी मिल जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उसके लिए सिर्फ आप बाय करना चाहते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं कि वन प्लस सिक्सटी आपको मतलब क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वन प्लस सिक्सटी में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो डिस्प्ले की बात करूंगा तो इसका डिस्प्ले है 6.41 इंचेस का, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। इसके अंदर आपका जो पिक्सल मिल रहा है आपको 1080x2340 पिक्सल है। कैमरा आपको मिलता है ड्यूअल है, वो है 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, मतलब एक 20 और जो है उसका 16 मेगापिक्सल दो कैमरा है। ड्यूअल फ्लैश में मिल रहा है इसके अंदर आपको, 8GB रैम वेरिएंट है। तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन मिल रहा है वो 845 जो कि वन प्लस सिक्स में सेम था। इसके अंदर बैटरी आपको मिलती है 3700 mAh की बैटरी मिलती है।
तो मैं अगर बात करूँ कैमरा की, तो इसके अंदर आपको जो मिलता है कैमरा, जो मेन कैमरा है 60 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल, मतलब जैसे कि मैंने बताया डुअल कैमरा आपको मिल रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको मिलता है डुअल LED फ्लैश, HDR और पैनोरामा, ये सारे बेनिफिट। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो वो भी है 16 मेगापिक्सल का, और इसके अंदर मेमोरी कार्ड आपको अवेलेबल नहीं है, स्लॉट अवेलेबल नहीं है, इंटरनल जो मेमोरी अवेलेबल है वो है 128 और 256 GB, और इसके अंदर दो वेरिएंट है आपको 6 GB रैम और 8 GB रैम वेरिएंट है। एंड्रॉयड OS की बात करूँगा तो इसके अंदर आपको मिलता है 9.0 आपको पाई OS मिलता है, स्नैपड्रैगन आपको मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 845, और इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले है वो है ऑप्टिक AMOLED डिस्प्ले है आपको इसके अंदर मिल रहा है, और जो प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर दिया गया है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का है प्रोटेक्शन। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 1 तारीख से, कल से अवेलेबल होने वाला है। और जो मेन फीचर्स है इसके अंदर आपको जो मिल रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके अंदर आपको काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाएगा, और फास्ट इज आपका एक्सेसरीज का मतलब यूज़ कर सकते हैं, और आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच मिलने वाला है। 2 कलर आपको इसमें अंदर अवेलेबल है, मिरर ब्लैक और मिडनाइट ब्लैक। तो इसके अंदर आपको ऑडियो जैक 3.5 mm नहीं मिलने वाला है। नॉइस कैंसिलेशन अवेलेबल है, वो जो है इनबिल्ड और HD साउंड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको अगर प्री बुक करते तो आपको मिलता है OnePlus की तरफ से बुलेट ईयरफोन। तो ये थी कुछ खास उसके स्पेसिफिकेशन। तो आपका क्वेश्चन तो एक रहेगा कि आपको OnePlus 60 इंडिया में कभी मिलेगा और क्या क्या उसकी प्राइसिंग रहेगी, तो सारे क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि मंडे को उनका जो है इवेंट लॉन्च हुआ था US में, तो उन्होंने काफ़ी सारा मतलब डिटेलिंग बताया था, पर ऐसा नहीं बताया कि इंडिया में क्या क्या प्राइसिंग रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको ये अवेलेबल होगा मतलब कल से अवेलेबल होगा, 1 नवंबर से चालू होगा, प्री बुकिंग ऑलरेडी अमेजोन पे चल रही है, तो वहाँ पे भी जाके आप प्री बुक कर सकते हैं, ढेर सारे ऑफर्स हैं। उसके लिए मैं एक सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि आपको OnePlus 60 के क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, कितने कम में आप खरीद सकते हैं, तो ये एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। और प्लस अगर आप बाय करना चाहते हैं OnePlus 60, तो आपको इसकी प्राइसिंग है 37,999, मतलब एक अप्रॉक्स 38,000 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है 6 GB रैम और 128 GB रोम वेरिएंट का। तो इसके अंदर आपको जो है ब्लैक कलर ही अवेलेबल है फिलहाल के लिए, तो ये एक मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जिनको ब्लैक कलर पसंद नहीं है उनके लिए। तो बाकी सारे बेनिफिट आपको मैं अलग सा जो वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ से आपको कितना कैशबैक मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं, या फिर मैं एक पोल यहाँ कर देता हूँ कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, तो वहाँ पर जाके आपका पोल बता दीजिए। तो आपसे मैं भी शेयर करने वाला हूँ कि OnePlus 60 के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या नए इंटरेस्टिंग फीचर ऐड किए गए हैं। तो आज तक के लिए वीडियो इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एक सपोर्ट मिलता है, मैं अगली वीडियो अच्छी और काफ़ी दर्जेदार या फिर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने को मेरे को मतलब प्रोत्साहन मिलता है बात करूँगा। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आपका क्या ओपिनियन है कि OnePlus 60 अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, जिनके पास OnePlus 6 है उनके पास। तो और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मेरा जो रिव्यू है या फिर कंफ्यूजन इस वीडियो का है कि आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए कि OnePlus जिनके पास OnePlus 6 है ऑलरेडी, तो OnePlus 60 अपग्रेड मत करिए, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट या फिर कुछ अपग्रेडेड वर्जन या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिल रहे इसके अंदर। तो चलिए वीडियो आज तक इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, आपको बताऊँ अगले वीडियो में।